हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि पूरी वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, राइट। उसके बाद पढ़ेंगे मानसून जो है कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है, क्या उसका मतलब है। फिर हम पढ़ेंगे क्लाइमेट और वेदर दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या इन्फ्लुएंस रहता है इंडिया पे। जैसे कि हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बट उसके बाद क्या रहता है, ये कहाँ पे जो है वार्मर क्लाइमेट होता है, कहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, हल्का सा वो पढ़ेंगे, राइट। फिर हमें पढ़ना है कि इंडिया में जो एक साल होता है उसको कितने सीजन्स में डिवाइड किया गया है, रीजंस क्या हैं उन सीजन्स के बनने के। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ये बुक में नहीं है, कि हम कई बार कहते हैं ना लो प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया है, तो वो क्या होता है, वो कैसे बनता है, इसके बारे में इतने अच्छे से मैं आपको बताऊँगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये तो बेसिक का कंसेप्ट था, यहाँ पर यूज़ हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम डस्ट स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्थ वेस्टर्स क्या होते हैं, चेरी ब्लॉसम क्या होते हैं, मैंगो शावर्स क्या होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो हम इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया में रेनफॉल होता है वो कौन से मानसून की वजह से होता है, ठीक है, कहाँ पे मानसून कौन से डेट को पहुँचता है। फिर हम पढ़ेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज यानी कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम्स आप देखेंगे हर जगह बुक्स में मैंशन है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बारे हम पढ़ेंगे कि करंट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि हमारा इंडिया है, तो इंडिया के कौन से पार्ट में बारिश कौन सी करंट की वजह से होती है, तो इसको हमने मेनली दो करंट्स में डिवाइड किया हुआ है, बे ऑफ बंगाल करंट आ गया एक, और दूसरा आ गया अरेबियन करंट। फिर डायग्रामेटिकली भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे बारिश कहाँ से कहाँ को चलती है, ठीक है। फिर ये हमने बे ऑफ बंगाल करंट का डायग्राम किया, फिर हम पढ़ेंगे अरेबियन सी करंट का क्या कंसेप्ट रहता है, ठीक है। एंड ऑन द लास्ट पेज हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, कौन कौन से एरियाज़ में या स्टेट्स में जो है रिट्रीटिंग मानसून आता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हमें इनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हल्का सा ओवरव्यू करेंगे। एंड लास्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें से छोड़ना नहीं है, एल नीनो एंड ला नीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं है, बस मेन पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले आप पेपर और पेन अपने साथ में रखिए, हैंड रिटन नोट्स अपने जो है मेंटेन करते रहिए। एक बार आपने नोट्स बना लिए, दूसरी बार आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स बनाने की या इधर उधर भटकने की। जैसे ही कोई भी एग्जाम आएगा, देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये तो हमें पढ़ना ही पड़ता है, तो अपने नोट्स उठाए और आराम से पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, देखिए ये फिक्स चीज़ें हैं, ये कभी वेरी नहीं होती, तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है। ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है। अब मॉनसून वर्ड कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है, तो मॉनसून वर्ड जो है अरेबिक मौसम से लिया गया है। अरेबिक मतलब अरब के जो अरेबिक एक वर्ड है मौसम, उसमें से लिया गया है, और मौसम का मतलब होता है सीजन्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है, तो देखिए पहले वेदर को देखिए उसके बाद क्लाइमेट की तरफ चलते हैं। वेदर होता है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट चेंजेस क्विकली। देखिए कोई भी जगह है, ठीक है, मान लीजिए हम दिल्ली की बात करें, तो एक पर्टिकुलर टाइम में उसमें क्या स्टेट है, बहुत गर्मी है, बहुत बारिश है, क्या हो रहा है, वो हो गया वहाँ का वेदर, ठीक है। थोड़े से टाइम के लिए होता है, बार बार चेंज होता रहता है। क्लाइमेट क्या होता है, अब देखिए जैसे इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, हज़ारों सालों से यही चल रहा है, यही मौसम है इंडिया में। तो क्लाइमेट होता है सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए टोटल वेदर कंडीशंस क्या कहलाती हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा क्लाइमेट जो कि फिक्स होता है। अब देखिए हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा करती है, तो वो है हिमालयाज। जो हिमालयाज है नॉर्थ में, देखिए मैंने इंडिया का मैप काफ़ी बार बनाया है, काफ़ी बार बताया है कि पेनिनसुलर प्लेटू कहाँ पे है, कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे है, डेजर्ट कहाँ पे है, और गैंगेटिक प्लेन्स कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कहाँ पे है, हिमालयाज कहाँ पे है, ठीक है, यही है इंडिया में मेन पॉइंट्स जो हैं। अब मैं यहाँ पर फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हिमालयाज जो है, जो कि नॉर्थ में है, ब्लॉक द कोल्ड मासेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया से जो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं उसे रोकते हैं, ठीक है, हिमालयाज जो हैं इंडिया को सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाते हैं। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द हिमालयाज दैट द मॉनसून शेड देयर वाटर इन इंडिया। और हिमालयाज की वजह से ही ऐसा है कि मॉनसून मतलब बारिशें होती हैं इंडिया में, ठीक है, बारिशें होती हैं इंडिया में, हिमालयाज ही उसका रीज़न है। अब देखिए यहाँ आप धीरे धीरे आगे चलेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आता रहेगा। अगर तो आपने पहले इस कंसेप्ट को पढ़ा है तब तो आपको
बहुत अच्छे से अभी से समझ आना शुरू हो गया होगा, बट कोई न्यू अभी किसी ने नई ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट की है तो उसने अगर इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो उस केस में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप पूरी वीडियो जैसे देख लेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आपको देखने को आएंगी, समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए जो हमारा वर्ड है, ये मैंने यहाँ पे वर्ड मैप बनाया है, हल्का सा वर्ड मैप भी नहीं कह लीजिए, अपना ग्लोब कह लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे देखिए तीन लाइंस होती हैं जो मेन होती है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक हो गया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये है आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बट हमें यहाँ पे काम है सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है जो इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ पे मैंने ऐसे थोड़ा रफ सा मैप बनाया है, इसको आप ज़्यादा अच्छे से मत देखिएगा, बट आप ठीक से बना लीजिए कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो अब बता रहा है कि इंडिया कौन से हैं वो दो पार्ट्स, एक बन गया हमारा नॉर्दर्न जोन, एक बन गया हमारा साउदर्न जोन। ऊपर वाला बन गया नॉर्दर्न जोन, नीचे वाला बन गया साउदर्न जोन, यहाँ मैंने लिखा भी है NZ और SZ। अब थोड़ा सा नॉर्दर्न और साउदर्न जोन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न जोन में जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। अब देखिए ये भी अलग सा एक कंसेप्ट है, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट हल्का सा बता देती हूँ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया होता है ना, इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया, सब ट्रॉपिकल जोन। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का एरिया, इसे कहते हैं हम इक्वेटोरियल जोन कह लीजिए या ट्रॉपिकल जोन कह लीजिए। ठीक है, ये भी फर्दर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, बट आपको उस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम पढ़ रहे थे जो नॉर्दर्न जोन है वहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, मतलब कोल्ड विंटर सीजन्स एंड हॉट समर सीजन्स। सर्दियाँ होंगी तो बहुत ठंड होगी, गर्मियाँ होंगी तो फिर बहुत ही गर्मी हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही साउदर्न जोन है वार्मर देन दी नॉर्दर्न जोन। नॉर्दर्न जोन से ज़्यादा गर्मी होती है हमारे साउदर्न जोन में। जब जो देखना केरला साइड कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, उनको तो ये भी नहीं पता रजाई क्या होती है, ब्लैंकेट क्या होते हैं, है ना। नाउ नो क्लियर कट विंटर सीजन, यहाँ पे कोई क्लियर कट विंटर सीजन नहीं होता कि हाँ जी सर्दियाँ आ गई निकालो स्वेटर्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे और लिखी है, इसे हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जो हमारा सन है ना, एक टाइम पे इक्वेटर पे होता है, फिर ऊपर की तरफ चलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है, फिर वापस आ जाता है इक्वेटर पे पहुंच जाता है, फिर वापस जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में पहुंच जाता है, फिर इक्वेटर, मतलब ये इन्हीं तीन में घूमता रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। ये कभी इससे ऊपर नहीं जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे नहीं जाता है, मतलब कर्क और मकर रेखा से कभी ऊपर या नीचे नहीं जाता है हमारा सूरज। तो इससे क्या होता है, जो नॉर्दर्न जोन है ना ये ऊपर वाला, इसके कभी इसके ऊपर कभी सन जो है वो डायरेक्ट बिल्कुल सर के ऊपर, कहते हैं ना कि 12 बजे जो सूरज है वो सर के ऊपर होता है, बहुत गर्मी होती है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो यहाँ पे कभी सनलाइट डायरेक्ट पड़ती ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जो है वो ठंड होती है। ठीक है, यहाँ पे डेट्स भी मैंने लिखी है, जैसे कि सबसे पहले 21 मार्च को चलेगा, ये 21 मार्च है, ऊपर पहुँचते 21 जून हो जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा तो 23 सितंबर हो जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा तो 22 दिसंबर हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट आता है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो साल होते हैं जैसे ईयर्स होते हैं उनको फोर सीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड किया क्यों गया है उसके रीजंस पढ़ लेते हैं, फिर हम सीजन्स तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से। तो इनके रीज़न है, फर्स्ट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड। देखिए जो नॉर्दर्न जोन है वहाँ पे कभी सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं होती हैं, हमेशा तिरछी किरणें पहुँचती हैं। साउदर्न जोन में सूरज की किरणें दो बार पहुँचती हैं, ऊपर नीचे दो बार डायरेक्ट किरणें होती हैं, तो लैंड जो है वो कहीं जगह बहुत गर्म हो जाती है, कहीं जगह गर्म ही नहीं होती। ठीक है, दूसरा है मूवमेंट ऑफ सन्स वर्टिकल रेज। तो आई होप आपको ये सन वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया है बैक कीजिए वीडियो और फिर से सुनिए, क्योंकि मैंने 2-3 बार अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड मूवमेंट ऑफ सन्स वर्टिकल रेज, इनकी वजह से सीजन्स बनते हैं इंडिया में। अब सीजन्स कौन कौन से हैं, समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर। देखिए जो बुक के हिसाब से मैंने लिख लिया है, बट ये जस्ट अप्रॉक्सीमेटली डेट्स हैं, बाकी 5-10 दिन का फर्क पड़ जाता है। जैसे मार्च से जून तक गर्मियाँ होंगी, जून से सेप्टेम्बर तक मानसून होगा, सेप्टेम्बर से दिसंबर तक ऑटम होगा, दिसंबर से मार्च तक विंटर होगा। ये नॉर्दर्न जो जोन है उसका है ये, क्योंकि साउदर्न जोन में तो कोई विंटर होता ही नहीं है सच, है ना। अब देखिए यहाँ पे लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर एरिया को मैंने एक्सप्लेन किया है, देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको और जगह भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वहाँ कहीं भी आपको देखेंगे आप किसी भी बुक में ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं मिलेगा, ये या तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा या गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, बट मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हाई टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पे गर्मी होती है
लो टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पे ठंड होती है, बस इसी के ऊपर पूरा कंसेप्ट है। अगर आपको ये दो चीज़ें पता है ना, मतलब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। हाई टेम्परेचर गर्मी, लो टेम्परेचर सर्दी। अब देखिए, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे हम बोलते हैं लो प्रेशर है। क्यों होता है लो प्रेशर, इसको पढ़ लेते हैं। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा मतलब जहाँ पे गर्मियाँ होंगी, जब गर्मी होगी तो वहाँ पे हॉट एयर होगी, गर्म हवा होगी। हमेशा याद रखना, जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इधर उधर से नीचे की तरफ मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो हॉट एयर होती है इट राइज अपवर्ड्स, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है एंड कोल्ड एयर सबसाइड्स, और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो हमेशा नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है। अब लो प्रेशर में क्या होता है, हॉट विंड्स होती हैं, एयर होती हैं, और जो गर्म हवाएं होती हैं ये हमेशा लाइट इन वेट होती हैं, ठीक है। अब गर्म हवाएं जो है, ज़्यादा गर्म हवा होगी, ठंडी हवा थोड़ी सी होगी ना, तो ठंडी हवा थोड़ी सी हवा नीचे होगी, बाकी सारी गर्म हवा होगी। तो गर्म हवा क्या होगी, लाइट इन वेट, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो, किसी चीज़ पे प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो चीज़ ऊपर होगी अगर उसका भार पड़ेगा नीचे तो हाई प्रेशर होगा, ये ऊपर ही रहती है, ऐसे तैरती रहती है, तो कोई प्रेशर ही नहीं पड़ता, मतलब लो प्रेशर एरिया। लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। लो टेम्परेचर मतलब ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं मतलब हाई प्रेशर होगा। क्यों, क्योंकि ठंडी हवाएं मतलब जितनी भी ठंडी हवाएं हैं ना, वो इसमें भी ठंडी हवा नीचे रहती है, गर्म हवाएं ऊपर रहती हैं, लेकिन गर्म हवाएं यहाँ पे होती ही नहीं है, सिर्फ ठंडी हवा होती है। तो देखिए, नीचे भी ठंडी हवा है, ऊपर भी ठंडी हवा है, उससे ऊपर ठंडी हवा है, ठंडी हवाएं सारी। तो ठंडी हवा जो है वो भारी होती है, तो सबसे ऊपर भी ठंडी हवा है, सबसे नीचे भी ठंडी हवा है, तो जो सबसे नीचे हवाएं होती हैं उसके ऊपर भार रहता है, ऊपर वाली सारी लेयर्स का, बहुत सारी लेयर्स में होती है ना हवा, तो ऊपर वाली सारी लेयर्स का भार रहता है नीचे वाले पार्ट पे, नीचे वाली हवाओं पे, जिसकी वजह से वो हैवी हो जाती है, और इसीलिए इसे कहते हैं कोल्ड विंड्स, हैवी एंड हाई प्रेशर। कंसेप्ट समझ आ गया तो वेल एंड गुड, इसे भी एक दो बार सुन लीजिएगा जो मैंने कहा है। नहीं समझ आया तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक से याद रखिए, फिर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा, जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, उल्टा, जहाँ हाई वहाँ पे लो, जहाँ लो वहाँ पे हाई, ऐसे याद कर लेना। शुरू में मैंने इसी तरह से याद किया था, बट जैसे जैसे आप डेप्थ में स्टडी करते हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मिलती हैं, तो फिर टाइम के साथ आप सीख जाते हैं। तो देख लीजिएगा, इसके नोट्स आप ज़रूर बना लेना, चाहे आप और कुछ लिख रहे हैं कि या नहीं, क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लू क्या होती है। देखिए, लू आई थिंक इंडिया में सबको पता ही है लू क्या होती है, बट यहाँ पर ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, हम भी पढ़ लेते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स, गर्म और सूखी हवाएं इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का वहाँ पे चलती है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, कहाँ पे होती है, राजस्थान। मेनली तो हम राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे थार डेजर्ट है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप ये ले लीजिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, जहाँ गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, राइट। अब हम पढ़ेंगे अदर डस्ट स्टॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्स पढ़ेंगे, चेरी ब्लॉसम, मैंगो शार्स, काल विशाखी, आंधी, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये है क्या, देखिए हवाएं चल रही हैं इधर से उधर अलग अलग जगह पे, ठीक है, या मॉनसून आ रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स चल रहे हैं, धूल भी उड़ रही है, बस उन्हें नाम दे दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। सबसे पहले है आंधी, आंधी है डस्ट स्टॉर्म्स इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा में धूल मिट्टी की जो हवाएं चलती हैं ना, आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, उनको नाम दे दिया है आंधी। काल बैशाखी, काल बैशाखी वेस्ट बंगाल में होती थी, बैशाखी कुछ लग भी रहा है ना बंगालीज का कल्चर, तो वैसे आप आराम से याद रख लेना, काल बैशाखी वेस्ट बंगाल। नॉर्थ वेस्टर्स, अब नॉर्थ वेस्टर्स है तो कुछ नॉर्दर्न पार्ट में चलेगी, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेटू से और मूव करती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब जो हमारा ये है ना असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इस साइड ये चलती है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू से निकलेगी, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में जाएगी। फिर है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटका में चलती हैं ये डस्ट स्टॉर्म्स, ये बेनिफिशियल होते हैं फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी कर्नाटका। मैंगो शावर्स साउदर्न इंडिया में चलती है, बेनिफिशियल फॉर मैंगो क्रॉप्स, जो मैंगो क्रॉप्स होती हैं मतलब आम की फसलों, आम की खेती कह जो भी कहते हैं मैंगो क्रॉप्स के लिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, राइट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है कि जो इंडिया में रेनफॉल होता है ना मैक्सिमम पार्ट में, वो कौन से मानसून की वजह से होता है, वो होता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून मतलब आप देखिए, सबसे पहले तो डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, मुझे लगता है आपको मैंने काफ़ी बार डायरेक्शंस बता दी हैं, स्टिल मैं एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस का है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ होती है, मतलब उत्तरी होती है, और जो सीधे हाथ की तरफ होती है वो ईस्ट होती है, बाकी तो आप फिर कर ही लेंगे, है ना।
उत्तर के नीचे दक्षिण और पूर्व के पीछे पश्चिम। अब देखिए साउथ वेस्ट कहाँ बनता है, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो ये वाला डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। अब हमने पढ़ा कि जो इंडिया में रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आता है, तो देखिए ये इंडिया का मैंने रफ सा मैप बनाया है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून है जो इस साइड से चलता है, मतलब अरेबियन सी से जो चलता है। ठीक है, नाउ ओवरऑल डेट्स, ये हल्की सी डेट्स बताई हैं, एग्जैक्टली नहीं होता कि इसी डेट पे आएगा, बट चांसेस होते हैं कि इसके आसपास, तीन नहीं तो फिर एक से सात आठ जून तक कह लीजिए यहाँ पे आएगा, है ना, वैसे चलते हैं। कोंकण कोस्ट यानी जो गोवा के आसपास का एरिया है, यहाँ पे बारिशें 3 जून को होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर कोलकाता पहुँचते पहुँचते 15 जून, फिर यहाँ से दिल्ली पहुँचते पहुँचते 29 जून, इस तरह से जो है वो मानसून आता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या जेट स्ट्रीम है क्या, इसका काम पढ़ने से पहले ये है क्या ये पढ़ लो। देखिए हिमालय से हमारे नॉर्थ में, वहाँ से सेंट्रल एशिया से जो हवाएं आती हैं बस उनको नाम दे दिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि वेस्ट से आती हैं। ठीक है, अब हिमालयस क्या करते हैं, उनका काम यहाँ पे रहता है। ठीक है, हिमालय जो है इन हवाओं को रोक देते हैं, बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, हिमालय इनको रोक देते हैं और फिर बारिशें हो जाती हैं। बारिशें भी हम पढ़ेंगे कि बारिश होती कैसे है, हवाएं आई तो बारिश कैसे हो गई, माउंटेंस का कुछ रहता है बट वो हम आगे पढ़ेंगे, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। सबसे पहले हमने ईजी सी चीज़ें पढ़ी, हम धीरे धीरे टफ की तरफ आ रहे हैं। राइट, नाउ इट कॉजेज रेन इन नॉर्दर्न प्लेन एरियाज विंटर्स। सर्दियों में जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया ना, जैसे गंगा का एरिया होगा, पंजाब हरियाणा का एरिया होगा, ये सारे जो प्लेन एरियाज हैं नॉर्दर्न पार्ट के इंडिया के, वहाँ पे बारिशें होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या जेट स्ट्रीम्स की वजह से। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर्स द कंट्री इन टू करंट्स। कौन है वो दो करंट्स, बे ऑफ बंगाल करंट एंड अरेबियन सी करंट। बे ऑफ बंगाल करंट देखिए ये हो गया अरेबियन सी करंट, ये हो गया बे ऑफ बंगाल करंट। इन ये दो करंट्स जो हैं अपने साथ बारिशें लेकर आते हैं। ठीक है, नाउ दिस मॉनसून कॉजेज रेनफॉल ओवर मोस्ट ऑफ द कंट्री। जो ये साउथ वेस्ट मॉनसून, याद रखना है आपने, है ना, क्योंकि मैंने तभी हाईलाइट किया था वो ऊपर, इसी साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से पूरी की पूरी कंट्री में बारिश होती है, लेकिन सिर्फ दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इसकी वजह से बारिशें नहीं होती हैं। और कौन है वो दो जगह, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक हो गया हमारा तमिलनाडु, एक हो गया थार डेजर्ट। अब तमिलनाडु और थार डेजर्ट में क्यों नहीं होती इसकी वजह से बारिशें, अगर पूरे इंडिया में साउथ वेस्टर्न मॉनसून की वजह से रेनफॉल होता है तो इन दो एरियाज़ में क्यों नहीं होता है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु का कंसेप्ट देखते हैं, ये हमारा इंडिया है, इस साइड केरला है, इस साइड तमिलनाडु, यहाँ से आया आपका साउथ वेस्ट मॉनसून, ये इसने केरला को टच किया, कोंकण कोस्ट को टच किया और ऊपर चला गया सीधे, तमिलनाडु यहाँ पे पीछे रह जाता है लीपवर्ड साइड में, पीछे छुपी हुई साइड में, इसलिए यहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं। ठीक है, दूसरा आ गया थार डेजर्ट, बिकॉज विंड्स ब्लो पैलर टू अरावली राजस्थान दस डू नॉट कॉज रेन। देखिए ये वाला जो आपका कंसेप्ट है ना, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको हम नेक्स्ट पेज में कवर करेंगे। इसका मतलब ये कि देखिए थार जो हमारा राजस्थान है वहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज है, अरावलीज है, राजस्थान है, ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। नाउ यहाँ पे जो हवाएं हैं वो अरावलीज के पैलर में चलती हैं, इसलिए बारिशें नहीं होती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका भी कुछ माउंटेन्स का कंसेप्ट है, वो हमें अलग से समझना पड़ेगा, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। अब हम पढ़ेंगे बॉब करंट यानी बे ऑफ बंगाल करंट। दो तरह की करंट हमने पढ़ी, दो तरह की है, एक बे ऑफ बंगाल करंट है, एक अरेबियन सी करंट है, बस इन दोनों के बारे में पढ़ना है। बे ऑफ बंगाल करंट में हो गया हैवी रेनफॉल, नॉर्थ ईस्ट में होता है बे ऑफ बंगाल करंट की वजह से, ये हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा बेशक, सुन लीजिए, फिर आगे वाले पेज पे चलते हैं, वहाँ आपको ये दोनों कंसेप्ट ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, बस पेपर पेन साथ में रखना है और नोट्स बनाते रहना। राइट, हैवी रेनफॉल होता है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे जो चेरापूंजी है मौसिनराम में, ये वर्ल्ड का मोस्ट रेनियस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा बारिशें दुनिया में होती हैं मौसिनराम चेरापूंजी में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे बारिशें होंगी, फिर वहाँ से मॉनसून हट जाएगा और वापस मुड़ जाएगा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जाएगा, जो गंगा का एरिया है ना वहाँ पे सारे में बारिशें होंगी इसकी वजह से, फिर उसके बाद चलेगा ये थार डेजर्ट की तरफ। थार डेजर्ट तक पहुँचते पहुँचते नो प्रेशर या कह लीजिए नो मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं रह जाता इसमें जिसकी वजह से बारिशें नहीं होती हैं। आई नो आपको लग रहा होगा कि आप बकवास चलिए, बट देखिए बहुत अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए और नेक्स्ट पेज की तरफ चलिए, ये दो कंसेप्ट आपके रहते हैं, दोनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो हम बात कर रहे थे बॉब करंट के बारे में। राइट, तो ये है हमारी बे ऑफ बंगाल करंट, ये है हमारा साउदर्न इंडिया, ये वाला पार्ट छोड़ देना है, ये वाला पार्ट छोड़ देना है, ये थार डेजर्ट वाला है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा अरेबियन सी है, इतना पता है।
ये हमारा साउथर्न इंडिया, ये भी पता है। बे ऑफ बंगाल से उठेंगी हवाएं, मॉइस्चर को साथ मिलेगी, मतलब पानी होता है ना बे ऑफ बंगाल में, क्या है समुद्र है, पानी है, तो पानी नमी को मॉइस्चर को साथ में लेके चलेगी और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पहुंच जाएगी। नॉर्थ ईस्टर्न में हर जगह खूब बारिशें होंगी, मौसीनाम चेरापूंजी में बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है, रेनियस्ट प्लेस है वर्ल्ड का मौसीनाम चेरापूंजी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, पूरे पार्ट में बारिश होगी, गारो खासी जैंतिया हिल्स में बारिश होगी। फिर आगे चलेगी जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, देखिए ये है ना इंडिया का इंडो गैंगेटिक प्लेन्स अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे बारिशें होंगी। फिर ये हमारा जो है राजस्थान हो गया सारा, यहाँ पे थार डेजर्ट आ गया, यहाँ पे बारिशें पहुँचेंगी, मतलब हवाएं पहुँचेंगी, बट रेन आउट ऑफ मॉइस्चर, उनमें नमी नहीं रहेगी। अगर हवाओं में नमी ना हो, मॉइस्चर ना हो, तो बारिश कैसे होगी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि हवाएं जब उठती हैं ना समुद्र से, तो वो अपने साथ नमी, पानी को इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लेके उठती हैं, फिर इधर उधर बरसा देती हैं, तो यहाँ पे मॉइस्चर रहता नहीं है, इसलिए बारिशें नहीं होती हैं। नो मॉइस्चर मीन्स नो रेनफॉल, तो ये वॉब वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ा कि थार डेजर्ट में बारिशें नहीं होती बिकॉज विंड्स ब्लो पैरेलली, इसका क्या मतलब है? अब इसका कंसेप्ट भी हमें समझना पड़ेगा, ये भी ऐसा कंसेप्ट है आपको किसी बुक में नहीं समझाया गया होगा, ना आपको किसी बुक में मिलेगा, ना गूगल पे मिलेगा। अगर यूट्यूब में किसी ने एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट नो यूट्यूब पे है कि नहीं, मैंने वीडियोस देखी नहीं है। हवाएं आती हैं नमी को लेकर और बारिश करती हैं, ये मैंने कहा, लेकिन कैसे करती हैं बारिश? देखिए ये आई विंड्स, हवाएं, इनमें मॉइस्चर है, नमी है, ये बारिश कर सकती हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेंस हैं, तो ये हवाएं क्या करती हैं, स्ट्राइक टू हाई माउंटेंस, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से टकराती हैं, फिर बरस जाती हैं। टकराव होगा दो चीज़ का, कुछ टूटेगा ना, तो पानी और नमी टूट जाते हैं और बारिशें हो जाती हैं, देयरफॉर रेनफॉल होता है। ये होता है उन केसेस में जहाँ बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े माउंटेंस हैं। लेकिन थार डेजर्ट में क्या है, थार डेजर्ट की बात करनी है ना अब हमें, वहाँ पे अरावली रेंज है, उसकी हाइट इतनी थोड़ी है, लो माउंटेन्स हैं वो, राइट? तो वहाँ पे विंड्स ब्लो पैलरी, हवाएं आएंगी और चली जाएंगी, थोड़ी बहुत हवाएं इधर टच कर देंगी तो हल्की बहुत बारिश हो जाएगी, दवाई सारी हवाएं पैलरी आगे की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है? हैंस नो रेनफॉल, इस वजह से कोई बारिशें नहीं होती हैं। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। मैं हज़ार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ पेपर पेन साथ में रखिए, क्योंकि इतनी मेहनत देखिए मैंने आपके लिए की है, अदरवाइज़ जो मैं नोट्स बनाती हूँ वो मैं इतने से पेज में सारे, इतने से पेज में, हाफ पेज में पूरा का पूरा कंसेप्ट के नोट्स बना देती हूँ, बट आपके लिए मैंने स्पेशल हर एक लाइन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, उसको डेकोरेट करती हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट वीडियो में बना रहे। हर एक कंसेप्ट एक बुक से, दूसरी बुक से, गूगल से, यूट्यूब से, हर जगह से कलेक्ट करती हूँ ताकि आप लोगों का लॉस ना हो, आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े और एक बार में आपको सारा का सारा कंटेंट एक ही वीडियो में मिल जाए। मैं इतनी हार्डवर्क करती हूँ आपके लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके नोट्स बनाएं, ऐसा ना आप वीडियो देखें उसके बाद स्किप कर दें, बाद में देखेंगे और बाद में तो फिर आपको पता है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से हमें टाइम ही नहीं लगता है पढ़ने के लिए, राइट? तो फाइन, वॉब करंट हो गया हमारा कंप्लीट, अब हमें पढ़ना है अरेबियन सी करंट। देखिए अरेबियन सी करंट में है ही कुछ नहीं, जो भी था बे ऑफ बंगाल करंट में था, इस बेचारे में इस करंट में है ही कुछ नहीं, ठीक है? अरेबियन सी करंट में क्या है, हैवी रेनफॉल अकर्स इन केरला इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है? अरेबियन सी करंट आएगी यहाँ से उठेगी, जो दूसरी करंट थी वो बे ऑफ बंगाल करंट थी, तो बे ऑफ बंगाल से उठी मॉइस्चर को लेके, अब अरेबियन सी करंट है तो ये ऑब्वियसली अरेबियन सी से उठेगी, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा, हैवी रेनफॉल होगा केरला में जून के पहले हफ्ते में, तो यहाँ पे जून में हैवी रेनफॉल हो जाएगा केरला में, इसको मॉनसून बर्स्ट कहते हैं, ये होता है एक्चुअल मॉनसून, ये साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे जब केरला में बारिशें होती हैं इसे हम कहते हैं मॉनसून बर्स्ट, ठीक है? उसके बाद जो नॉर्दर्न इंडिया है, हिमालयाज वाला जोन है, वहाँ पे भी साउथ वेस्ट मॉनसून ही बारिशें लाता है। आपने देखा ना बे ऑफ बंगाल कहाँ कहाँ बारिशें करता है, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, थार में थोड़ी बहुत, दैट्स इट, और कहीं बारिश नहीं करता ये। अब हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा बारिशें जो है इसकी वजह से होती है, इसमें पढ़ने के लिए कम है बट सबसे ज़्यादा काम इसी का है। जून में चलेगा, केरला में बारिश होगी, फिर ये ऊपर पहुंच जाएगा हिमालयास पे, हिमालयास जो कि नॉर्दर्न इंडिया में है, वो भी वहाँ भी बारिशें इसी मॉनसून की वजह से होती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से, अरेबियन सी करंट की वजह से। कब होती हैं, जून से सितंबर के आसपास होती हैं। आजकल अगर आप देखिए नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हैं तो आप देख रहे होंगे बारिशें चली, बरसात चली, हम प्रार्थना करते हैं आज बारिश हो जाए, आज बारिश हो जाए, है ना? तो ये रहता है। प्लस क्वेश्चन आता है धर्मशाला में कौन से करंट की वजह से बारिश होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे क्लर्क के एग्जाम में, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप देख लीजिएगा। धर्मशाला में जो बारिशें हैं वो या तो साउथ वेस्ट मॉनसून आंसर होगा या अरेबियन सी करंट जो है आंसर होगा, तो इनमें से जो भी होगा आप देख लेना। देखिए ये हमारा अरेबियन सी करंट भी हो गया कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं बचता है। अब हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचता है नेक्स्ट पेज पे। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट देखिए आप ही के बेनिफिट के लिए है, मैंने सारी चीज़ें एक ही जगह पे कलेक्ट की हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, जो जो मतलब पॉसिबल था वो सब मैंने नोट्स बनाए हैं, तो
मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपका कोई भी कंटेंट, कोई भी पार्ट ना छूटे, इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एक टॉपिक पे फुल स्टडी तो आप कर नहीं सकते हो, है ना। बट मैं कोशिश करती हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई टॉपिक ना छूटे, ठीक है। तो आप पेपर पेन साथ में रखना है, नोट्स बनाना है, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको आई डोंट थिंक कहीं मिलेंगे, बने बनाए सारा डेटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना। तो रिट्रेटिंग मॉनसून पढ़ना है। हमने क्या क्या पढ़ा? बे ऑफ बंगाल करंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा अरेबियन सी करंट, अब हमें पढ़ना है रिट्रेटिंग मॉनसून। जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसका उल्टा है रिट्रेटिंग मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून यहाँ से जाता है ना, ये वापस आता है, ठीक है। हल्का सा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रॉम मिड सेप्टेम्बर टू मिड डिसम्बर, हमने पढ़ा कि पूरे इंडिया में जून से सितंबर के बीच में बारिश होती है। कहाँ पढ़ा? अरेबियन सी करंट में पढ़ा। लेकिन रिट्रेटिंग मॉनसून है, जब सितंबर हो गया, जब वापस जा रही है हवाएं, तब यहाँ बारिशें होंगी, ठीक है। मिड सितंबर से मिड दिसंबर तक द मॉनसून रिट्रीट्स, इस टाइम पे मॉनसून जो है वो वापस आता है, रिट्रीट होता है वापस आना। तमिलनाडु, मेनली तमिलनाडु वाले जो थोड़ा आसपास का एरिया, वहाँ पे बारिशें होती हैं रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से। रिमेन्स ड्राई व्हेन द एंटायर कंट्री रिसीव्स रेन, पूरे देश में जब बारिशें होंगी ना, तमिलनाडु में कोई बारिश नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब तमिलनाडु में बारिश होगी, तब तक पूरे देश में बारिश हो चुकी होगी, लास्ट में तमिलनाडु में बारिशें स्टार्ट होती हैं। रेनफॉल जैन टू फेब, रेनफॉल जो है इसमें जनवरी फरवरी के आसपास होता है। और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, डायरेक्शन देखिए कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून इसे कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से तमिलनाडु में बारिश होती है। ये क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में बारिशें कौन से मानसून की वजह से, तब हमें पता नहीं होता, फिर ये रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होती हैं। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, देखिए थोड़ा सा बचा है फैक्टर्स, और उसके बाद ये दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इतना सा बचा है, फिर आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ एक चीज़ और बता दूंगी आपको कि जो नेशनल हैंडरिटन, नेशनल मूवमेंट के हैंडरिटन नोट्स हैं, वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप समझते ना, बे ऑफ बंगाल मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब कुछ, हर एक जो हमारा इवेंट है उसके लिए मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, 5-6 मिनट की वीडियो हार्डली, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की है, अभी आपको पता है हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे पहुंचे हैं, और इससे पहले काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, पूरी वीडियोस देख लेते हैं, हम देख सकते हैं मैंने क्या क्या पढ़ाया है अभी तक। एंड नेक्स्ट इज जो पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमने स्टार्ट किया था, वो भी हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। उसमें छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज, नीति आयोग वगैरह, बट वो भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। बट जो मेन कंटेंट हमारा रहता है, पार्ट बाय पार्ट मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया है, आर्टिकल्स भी बताएं, तो आप चाहें तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों का लिंक दिया है। सो हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे थे, चार फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहला है लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब क्लाइमेट को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं इंडिया में, वो हमें पढ़ना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि क्या चल पड़ा ये, है ना। तो लोकेशन और लैटिट्यूड का एक्सटेंट जो है वो काफ़ी इफेक्ट करता है। जैसे इंडिया जो है इसको मिडल से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपने नहीं लिखना ऐसे, तो मैं शॉर्ट में आपके लिए लिखती हूँ, अदरवाइज खुद सोचिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट में लिखा है, इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नॉर्दर्न जोन है इसको बोलते हैं वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, जो साउदर्न जोन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्यों बोलते हैं ये हम फिर कभी पढ़ेंगे, क्योंकि जो पूरा हमारा वर्ड है ना, वो कुछ जैसे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं, फिर इसका कुछ रीज़न भी रहता है, बट यहाँ नहीं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लॉन्ग वीडियोज़ आप लोग देखते ही नहीं है, है ना। तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, या हो सकता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी इस टॉपिक को, छोटा सा वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितना दूर है कोई एरिया, इस पे भी डिपेंड करता है। जो समुद्र के पास एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मैरीटाइम क्लाइमेट होता है, जो समुद्र से दूर होंगे वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा, है ना। द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जो हिमालयाज़ है उसका भी काफ़ी इफेक्ट रहता है। हिमालयस प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से जो ठंडी और सूखी हवाएं आती हैं ना, उनसे बचाता है हमें हिमालयाज़, ठीक है। फिर साउदर्न ऑसिलेशन, साउदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में चलता है। जो सर्फेस लेवल होता है ना, वो हाई हो जाता है ना जब इंडियन ओशन का, तो पैसिफिक ओशन का लो हो जाता है। अब सर्फिस लेवल हाई होगी, मतलब गर्म होगी जो हमारा अपर लेवल पानी की जो ऊपर वाली परत है, तो प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा। बस ये लो हाई चलता रहता है, और साउदर्न ऑसिलेशंस होती रहती हैं, ठीक है। ये जस्ट जिन्होंने थियोरेटिकल, जिन्होंने आंसर राइटिंग के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो समझ लें, अदरवाइज इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है फैक्चुअल डेटा के लिए। फैक्चुअल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एल नीनो एंड ला नीना, ठीक है। एल नीनो सिंपल सी बात है, वार्म करंट है,
पेरू की कोस्ट से उठती है। लानीना बिल्कुल उल्टा है इसका, कोल्डर करंट है। बस क्वेश्चन याद है कौन सी वार्मर है कौन सी कोल्डर है, बाकी जो हम करंट्स पढ़ेंगे ना अलग से वहाँ हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंटेंट कंप्लीट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हो गया कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने पढ़ाया आपने सुना या ना सुना वो भी मुझे बताएं, नोट्स बनाएं या ना बनाएं वो भी बताएं। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।